नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमर छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहे हैं। नक्सली प्रभावित इलाकों में शिक्षा स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की स्थायी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बीजापुर में शिक्षा को लेकर चल रहे विकास कार्यों का हर खबर की टीम ने मुआयना किया और साथ ही इसको लेकर के बीजापुर के कलेक्टर अनुराग पांडे शख्सियत से खास बातचीत की। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नक्सलवाद कोई नई समस्या नहीं है और जब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तब हम सब नक्सलवाद को हुए नुकसान और उसके चलते प्रदेश में विकास कार्यों का हर इलाके तक न पहुंच पाना इस पर भी जरूर सोचने पर विवश होते हैं। लेकिन प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की रोकथाम के साथ साथ विकास को लेकर भी लगातार सरकार योजनाएं चला रही है। बीजापुर में भी लगातार अब नक्सल प्रभावित इलाके में शिक्षा स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं मुख्य धाराओं में तेजी देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि जब से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार बनी है तब से छत्तीसगढ़ के उन अंदरूनी इलाकों में विकास की धाराएं बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। सरकार की निकाली गई योजनाओं पर तेजी से काम होता देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि उन इलाकों तक विकास की धाराएं पहुँच रही है जहाँ कभी नक्सलियों की पूर्ति होती थी, लेकिन अब सारी नक्सली सरेंडर करती नजर आ रही है। यही नहीं, कई ऐसे प्रभावित गांव हैं जो मुख्य धारा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बस्तर संभाग बीजापुर जिले के एक इलाका की, जिन इलाकों में विकास की धारा नहीं पहुंची थी, लेकिन अब सरकार उन गांव को भी मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। बीजापुर पहुँच कर जब हमने गांव के कलेक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि बीजापुर में इस तरीके से विकास और शिक्षा से जुड़ा काम किया जा रहा है, जैसे कि कई बंद स्कूल खोलने और कई बच्चों को शिक्षा देने का काम तेजी से चल रहा है। कई गांव को खुला मुख्यालय से जोड़ा जा रहा है, जहां दूर कोई और पुलिया नहीं है, वहां तक इन सब सुविधाओं को पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं, जिन्हें कलेक्टर अनुराग पांडे के नेतृत्व में किया गया है। बीजापुर की इस बदलती तस्वीर पर कलेक्टर अनुराग पांडे से हर खबर की टीम ने खास बातचीत। आज हम छत्तीसगढ़ के उस जिले की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा आतंक से परेशानी था, और उन जिलों की बात करेंगे, उस संभाग की बात कर रहे हैं। जिस संभाग की अगर हम बात करने जा ही रहे हैं तो फिर वो संभाग है बस्तर। बस्तर का नाम जैसे ही आ जाता है तो उस जिले का नाम आपके ध्यान में आ ही गया होगा कि जिस जिले की मैं बात करने जा रहा हूँ, जिला बीजापुर की बात कर रहा हूँ। आज हम जिला बीजापुर की उन बातों को करने जा रहे हैं जो इतनी जल्दी से जिस तरीके का योजनाएं सरकार निकाल रही है वो तेजी पकड़ना और विकास की उन धाराओं से जुड़ी हुई बातें। आज हमारे साथ बीजापुर जिले के कलेक्टर अनुराग पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ हमारे चैनल के लिए। धन्यवाद सर। ये बीजापुर जिला नक्सली प्रभावित क्षेत्र माना जाता है और ये बहुत से ऐसे आतंक यहाँ देखने मिला है और कई जगह पे ऐसा है कि उन क्षेत्रों में विकास की धारा जो है नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन कई कलेक्टर यहाँ आए हैं, चले गए हैं, कई लोग बहुत अच्छा काम भी किए हैं यहाँ पे, और देखते हैं कि जिस तरीके से आखे लमसम लमसम 7 महीने कुछ हुए हैं, जिसमें से 3-1 महीने तो आपने उतनी कार्य नहीं किए होंगे, लेकिन 5 महीने आपने कंटिन्यू कार्य किया है यहाँ पे, तो उस कार्य क्षेत्र में जिस तरीके के विकास यहाँ पहुंचना चाहिए वो इतनी तेजी से पहुंच गए हैं कि जो व्यक्ति 2-2.5 साल में नहीं कर पाए आपने इतनी जल्दी यहाँ पे उन कार्यों को कर दिया है। किस तरीके का अनुभव रहा है अभी तक इस जिले में आने के बाद, कैसा आपको महसूस हो रहा है? देखिए, बीजापुर के बारे में आपने जो वर्णन किया उसमें पहले कुछ सच्चाई थी। वर्तमान शासन ने जो है इस जिले में समग्र विकास हो और खास तौर पे उन क्षेत्रों में जो जिन्हें अंदरूनी या माओवादी प्रभावित क्षेत्र मानते थे, इसलिए नई योजना जो है कैंप के आसपास के गांवों के लिए शुरू की गई, नियत निन्नार मेरा अच्छा गांव, माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत जो पूरा प्रशासन शासन जो है इन क्षेत्रों में इन गांवों में जो है ऐसी सुविधाएं जो अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्ध रहती थी उसे तेजी से वहां पे
एक मिशन मोड में लागू करने के लिए लगा हुआ है। उसके कारण जो है निरंतर जो है क्षेत्रों में विकास हो रहा है, न केवल नियत मिलनार क्षेत्र बल्कि अन्य क्षेत्र जो जिले के अंदर हैं, सभी जगह एक नया उत्साह, नया आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है और हर व्यक्ति चाहता है कि इस जो है विकास की जो धारा बह रही है उससे वो भी लाभ ले। और ये शासन का भी, प्रशासन का भी जो दायित्व है कि वो हर आम नागरिक को उसका हक, उसकी सुविधाएं में बढ़ोतरी करे। और वही प्रयास जो है पूरे हमारे शासकीय अमले में जो भी एक में भी एक आत्मविश्वास आया हुआ है, एक नया उत्साह है और पूरे लोग जो है एक साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व, हमारे जिले के माननीय प्रभारी मंत्री और माननीय सांसद जी का मार्गदर्शन, इसके कारण जो है हम इतने कम समय पे जो है और बेहतर रिजल्ट लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम बात कर ही रहे हैं नियत नीलानार की। नियत नीलानार में जिस तरीके से योजनाओं को जोड़ा जा रहा है, लेकिन जिन अंदरूनी इलाकों की हम बात करने जा रहे हैं कि बीजापुर जैसे संसदीय क्षेत्र में यहाँ पे अभिजमान जैसे भी इलाके मौजूद हैं जो अपना नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर को जोड़ता है, उस क्षेत्र में किस तरीके का योजनाएं जो नियत नीलानार का वहां पहुंच पाएगा, या फिर उनको मुख्य धाराओं से जोड़ने के लिए कोई और व्यवस्था आपने करवाई होगी, या फिर वह शिक्षा का क्षेत्र जिस तरीके से वहां पे कम रहा है उसको लेकर आपने क्या कार्रवाई की? आपने जिस बात की ओर इंगित किया है वो हमारे भी हमेशा ध्यान में रहता है। इंद्रावती नदी के बाएं तट पे जितने गांव हैं और जितने कैंप स्थापित हो रहे हैं वो सब जो है नियत नीलनाथ के क्षेत्र में आ गए हैं। इंद्रावती नदी के दाहिने तरफ जो आपने मांड नारायणपुर ओरछा क्षेत्र बताया है, अबुजमान मांड का एरिया है, यहाँ भी जो है हमने प्रयास किया है कि कुछ नए स्कूल खुले और नए स्कूल खुल गए हैं। कुछ जगह जो हमने बोरिंग वगैरह आदि कराई है, लेकिन ये क्षेत्र नियत नीलनार के वर्तमान जो है परिभाषा में नहीं आता और अभी वहां पे कोई कैंप भी जिले में नहीं खोला गया। लेकिन इस क्षेत्र के लिए जो फुंडरी में जो है एक नया बड़ा पुल बन रहा है, उसमें गर्डर डल चुके हैं, आगामी 4-5 महीनों में जो है पूरा वो काम पूर्ण हो जाएगा और उससे जो है जो बीजापुर के जो इंद्रावती के पार के जो क्षेत्र हैं उसमें आवागमन सुगम हो जाएगा, विकास वहां भी होगा, आवागमन जैसी ये पुल के माध्यम से सुनिश्चित हो जाएगा। तो बहुत सारी योजनाएं जो नदी के कारण हम लोग वहां पहुंचा नहीं पाते थे तो वो भी पहुंचाएंगे। इसी तरह बेदे में भी एक पुल का निर्माण हो रहा है, उसमें थोड़ा विलम्ब है लेकिन उसके निर्माण, इन दोनों पुल के निर्माण होने के बाद बीजापुर जिले के जो नदी के उस पार के क्षेत्र जो मांड एरिया से लगे हुए हैं उनमें भी विकास दौड़ेगा। हम इसी विकास को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि यहाँ पे रेलवे लाइन का भी शुभारंभ होने जा रहा है, क्या इसके लिए आपकी क्या कड़ी मेहनत रही होगी जिसकी वजह से बीजापुर जैसे सेंसिटिव क्षेत्र में एक रेलवे लाइन बिछने का जो आया है, कई लोगों के चेहरे में हम इस खुशी को देखते हैं। हम इस बात को रायपुर में सीएम के मुंह से भी सुना है कि वो रेलवे लाइन यहाँ पे देने जा रहे हैं, इसमें आपकी कैसी मेहनत रही? देखिए, मैं बीजापुर जिले में आने के पहले जो उद्योग विभाग में भी कार्य किया हूँ और उद्योग विभाग के अंदर ही जो है रेलवे लाइन की भी योजनाएं आती थी, तो मैं इस कार्य से काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ। तो इसमें जो है मुझे जो है इसकी जानकारी है कि किस प्रकार से प्रस्ताव जाते हैं, रेलवे के अधिकारियों से भी कुछ से संपर्क है और कुछ जो है कंसल्टेंट्स उनसे भी संपर्क है कि जिस तरीके से प्रस्ताव आदि बनाए जाए। मैं जब यहाँ आया तो मुझे यह महसूस हुआ कि इस क्षेत्र में अगर रेल आ जाएगी तो बहुत सी समस्याएं जो अपने आप ही हल होंगी और क्षेत्र का जो है सर्वांगीण विकास होगा। इसलिए हमने 16 जुलाई को जो हमारी समीक्षा बैठक माननीय प्रभारी मंत्री जी और माननीय सांसद महोदय द्वारा ली जा रही थी तो ये प्रस्ताव जो है उनके समक्ष रखा गया कि कैसे गीदम से भैरमगढ़, बीजापुर, तो फिर मंचेरिया, वो करीब करीब 246 किलोमीटर की लाइन प्रारंभिक हमारे सर्वे में थी और इसकी लागत करीब करीब 4,500 करोड़ थी। उनकी अनुमति और अनुमोदन के बाद जो है ये प्रस्ताव उद्योग विभाग में भेजा गया और माननीय सांसद महोदय जी ने इस विषय को जो है लोकसभा में भी उठाया
और उनके प्रयास और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाद में जो है माननीय रेलवे मंत्री जी से भारत सरकार से भेंट की, उन्होंने भी प्रदेश के रेल लाइन के संबंध में जो है उनसे अनुरोध किया। उसमें एक लाइन उन्होंने अंबिकापुर से कोरबा के लिए बोली। इन बड़े हर्ष का विषय है कि एक महीने के अंदर ही भारत सरकार रेल मंत्रालय द्वारा इसके जो है फाइनल लोकेशन सर्वे की स्वीकृति और डीपीआर बनाने की स्वीकृति आ गई। इसके लिए भारत सरकार ने इस रेल लाइन के लिए जो है 12,25,00,000 रुपए स्वीकृत किए, विकास की धारा में शामिल हो और अच्छा जीवन आगे व्यतीत करें। तो हमने प्रयास किया कि करीब 25 ऐसे बंद स्कूलों को फिर से खोलने का। अभी वाकई में बहुत ही छोटे स्तर पे कार्य किया जा रहा है, धीरे धीरे उसमें जो है वृद्धि होगी, शेड बनेंगे और पक्के स्कूल भी बनेंगे। अभी प्रयास ये है कि हर विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक हों, जिससे जो है शिक्षा का गुणवत्ता और स्तर अच्छा हो। साथ ही साथ हमारे पास ऐसे 7 स्कूल थे जिनमें मध्यान्ह भोजन कोर्ट था, जिनका UDIS कोर्ट था, और ऐसे में 7 और नए जो स्कूल खोले हैं उनके लिए भी हमने कोर्ट का आग्रह किया था। प्रसन्नता की बात है कि शासन ने उसका भी कोड जारी कर दिया है। तो इन बच्चों को स्कूल जो है वो अभी प्रारंभ हो चुके हैं, धीरे धीरे उसमें विकास होगा। और जहां पे आतंक का सन्नाटा था वहां पे इन स्कूलों की घंटियां जो है उस सन्नाटे को चीरती हुई लोगों को जागृत कर रही है। हम जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे कि यहाँ की नक्सली का जो सबसे ज्यादा आतंक थी वो तो आपको समझ में आई गया होगा, जैसे बातें हमने बता रहे थे कि खत्म होता है नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम और बात करेंगे कि स्वास्थ्य के ऊपर। जिस तरीके से हम यहाँ स्वास्थ्य देखते हैं जिले में, आपकी आप तो अरे सब जिले के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन इस बीजापुर में जिस तरीके का डर का माहौल था कि आप बीजापुर हम अगर जाएंगे रायपुर से कोई व्यक्ति आता है तो आतंक होता, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी अगर अपराध होता था तो नाम जिले का बीजापुर है तो काला अक्षर बीजापुर ही होता था, जिससे बहुत सारे लोग डर जाते थे यहाँ आना। लेकिन धीरे धीरे ये भी खत्म होता नजर आ रहा है, उन अंदरूनी बच्चों को हवाई यात्रा करने मिल रहा है, उन अंदरूनी इलाकों में उनको शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, जहाँ पे रोड पुल पुलिया नहीं है वहाँ रोड पुल पुलिया पहुंच रहे हैं। यानी कि विकास इतनी तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि जो पिछड़ा हुआ बीजापुर लोग बोलते थे अब वो वर्ड खत्म होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ बीजापुर में किस तरीके की दी है, क्योंकि बरसात का मौसम जिसकी वजह से कई लोगों को नदी नाले उफान पे आते हैं तो पहुंच भी नहीं पा रहे होंगे, किस तरीके की व्यवस्था की गई है? देखिए, आपने जो पूरा भूमिका बांधी है उसका ये मतलब होता है कि अब जो है बढ़ता हुआ बीजापुर विकास की ओर अग्रसर। बीजापुर अभी बीजापुर जिले की जो एक अन्य प्राकृतिक आपदा की समस्या ये है कि यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, कि प्रदेश में सर्वाधिक बारिश होने वाला जिला है और यहाँ प्रदेश का औसत 700 के आसपास है। तो इस जिले में जो है औसत जो है करीब करीब जो है 1700 मिलीमीटर है, अर्थात बीजापुर के हिसाब से भी जो है ये 150 गुना ज्यादा है, प्रदेश के हिसाब से तो आप दोगुने से ज्यादा समझ लीजिए। तो और बारिश का समय भी बहुत लंबा होता है, करीब करीब 25 दिन लगातार निरंतर बारिश हुई है। इस बीच नदी नाले रास्ते कटते गए, व्यवस्था करते गए, कुछ में कमियां हो सकती हैं, कुछ एडवांस में व्यवस्था की गई थी ऐसे पाइप रखे जाए कि हमें तत्काल पहुंचाया जाए और रास्ता सुगम हो सके, इसका निरंतर प्रयास किया गया है। अत्यधिक वर्षा में हम शायद कुछ जगह पे जो है त्वरित सहायता न पहुंचा पाए हों, लेकिन क्योंकि व्यवस्था की जा रही है बड़ी तो धीरे धीरे सब सामान्य हो रहा है। एक तरफ आप देख रहे होंगे कलेक्टर बीजापुर को संवारने की जो काम कर रहे हैं और यहाँ की संस्कृति सभ्यता को बचाए रख रहे हैं, हर एक चीज को बड़ी बारीकी से देख के उसे संवार रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजापुर में इतनी बड़ी किरदार निभाते हुए भी अपने आप को पर्दे के पीछे रखने का जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि जैसे बीजापुर आके इनकी 8 महीने चल रहे हैं, लेकिन उन 8 महीनों में किस तरीके का समस्या उन्होंने फेस किया और बीजापुर में किस तरीके का परेशानी उन्होंने यहाँ पे झेला है, और क्या लगता है कि अगर हम बात करें तो बीजापुर को इसे और बेहतर करने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, और अगर थोड़ी और समय इनके पास होती तो बीजापुर को और बेहतर बनाने की कोशिश करते होंगे।
और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई की सरकार बनने के बाद से ही प्रदेश में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में विकास और लोकहित के लिए विष्णुदेव सरकार ने कई फैसले लिए हैं। चाहे वो डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा देने की बात हो या सरकार के कामकाज में पारदर्शिता की बात, सरकार हर क्षेत्र में बड़े और बेहतर फैसले लेकर छत्तीसगढ़ की जनता की उम्मीदों पर खरी उतरती दिख रही है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की सुशासन वाली सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। हाईकोर्ट के फैसले ने भी छत्तीसगढ़ सरकार की नीति पर मुहर लगा दी है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दरमियान 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले के मुजरिमों के द्वारा ईओडब्ल्यू और ईडी के द्वारा की जारी जांच कार्रवाई के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई थी और सभी 12 याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। विष्णुदेव सरकार ने एक नई विभाग का गठन किया है, अभिसरण सुशासन एवं अभिसरण विभाग। इनका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना। विष्णुदेव साई सरकार की नीति पर हाईकोर्ट की मुहर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दाखिल 13 याचिकाएं। हाईकोर्ट ने माना सबूतों के आधार पर जांच एजेंसियों ने की FIR। सरकारी विभागों में GEM पोर्टल से खरीदारी। बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह से खत्म। 900 करोड़ रुपए की GEM पोर्टल से खरीदारी। प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए साई सरकार ने एक और फैसला लिया है। सरकार अब जेम पोर्टल से खरीदी को बढ़ावा देगी, जिससे अब सरकारी विभागों में सामान सप्लाई में भ्रष्टाचार पर लगाम लग पाएगी। इसी के साथ ही 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के आवास दिए जाने का निर्णय लिया गया। ई गवर्नेंस को विष्णुदेव साई सरकार ने दिया बढ़ावा। कामकाज में पारदर्शिता के लिए 3 पोर्टल लॉन्च। ई ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ। प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की सरकार अब उद्योग नीति पर भी तेजी से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में साई सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम को और बेहतर बनाया है, जिससे अब छत्तीसगढ़ में नए उद्योगों के लिए कागजी कार्रवाई आसान हो गई है। मुख्यमंत्री साई के जनता के हित में लिए गए फैसले का असर भी अब दिखने लगा है। में जो है एक ऐसा उत्साह हो गया है कि आपने देखा होगा कि बीजापुर की जो है अभी रोशनियों से नहाया हुआ है। रात में जो है हम जाते हैं, हम तिरंगा लाइट देखते हैं। बीजापुर में करीब करीब 8 किलोमीटर रोड है जिसपे जो है विद्युतीकरण सुधारा गया है। अब जो है बीजापुर से जो गुजरने वाले वाहन है उनको ये एहसास होता है कि वो किसी बड़े जिले में प्रवेश कर रहे हैं। और तो और यहाँ के आम नागरिकों के लिए भी बड़ी खुशी की बात है, वो जो है रात्रिकालीन जो है अपने परिवार से ही जो है मुख्य सड़क में जो है घूमते हैं। रात में भोजन के बाद जो है बड़े शहरों में भी लोग पान खाने या ऐसे ही अपने परिवार के साथ चाट खाने, आइसक्रीम खाने जाते थे। ये व्यवस्था बीजापुर में भी हो रही है। घर परिवार के लोगों को भी हमने जो तिरंगा लाइट दिखाया है उसको भी लोग लगभग बीजापुर के, मैं कहूंगा कि
80-90% लोग जो अपने परिवार वालों को ला के रात में दिखाते हैं कि कैसा बीजापुर बदल गया है, ये बड़ी खुशी की बात है। और इसमें हमने कोई बहुत राशि नहीं खर्च की है। अगर हम बीजापुर की बात कर ही रहे हैं तो ये बस्तर के वो इलाके हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा आतंक माना जाता था और का है तो वो सबसे ज्यादा, जैसे ही बस्तर की नाम आती थी तो गुन जिलों के ऊपर उसकी दृष्टिकोण जाती थी, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, सुकमा। लेकिन अब जैसे ही बस्तर का नाम लेते हैं तो कई यहाँ पे जलप्रपात भी ऐसे मौजूद हैं और कई यहाँ पे देखने लायक ऐसे दृश्य भी मौजूद हैं और ऐसी चीजें भी यहाँ पे देखने के लिए मौजूद हैं। लेकिन अब जो डर का जो भय है वो खत्म होता जा रहा है, जैसे ही बीजेपी की सरकार यहाँ बनी हुई है, मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के सुशासन के सरकार में यहाँ पे कुछ और पहले भी मौजूद है। और नक्सलियों को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा जो नक्सली उन्मूलन का जो अभियान चलाया गया है उसमें नए कैंप भी विस्तार हुए हैं, आपके रहते हुए यहाँ तो कितने और नए कैंप खुले जाएंगे? नहीं, ये जानकारी जो है थोड़ी गोपनीय रहती है पुलिस के स्तर पे, और जैसे जैसे खोलते हैं फिर हम उसकी कार्रवाई करते हैं, जो उसमें जो है सिविक एक्शन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है, क्योंकि ये पहले से इसकी जानकारी देने से जो है सुरक्षा के इसमें जो है कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, इसलिए उस स्थानों की जानकारी जो है भी गोपनीय रखी जा रही है। और लेकिन निरंतर ये कैंप तो खुल रहे हैं, 8 कैंप जो है इस नई सरकार के आने के बाद खुले हैं, और उन्हीं कैंप के आसपास के गांव जो 33 गांव है उसको नियत में नारी योजना में शामिल किया गया है। तो इसलिए जो है निरंतर कैंप खोले जाएंगे जहां आवश्यकता है। और भी बटालियनें आ रही हैं बीजापुर में और भारत सरकार भी बहुत इस पे जो है ध्यान दे रही है। आप देख ही रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री जी का भी जो निरंतर दौरा हो रहा है, तो इस तरीके से ऐसा लगता है कि बीजापुर जो है में जो आतंक का माहौल कभी हुआ करता था वो जो है अब ये जो है पुरानी बातें हो जाएंगी और हम जो है समग्र विकास की ओर अग्रसर होंगे। और इसके लिए जो है पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा समन्वय है, साथ ही हमारे जिले की जितनी टीम है उसको भी उत्साहित किया गया है, उनमें भी जो है बहुत आत्मविश्वास आ गया है। काम तो वही मैदानी हमले द्वारा किया जाता है जो पहले भी थे आज भी हैं, लेकिन आज जो है वो बहुत सक्रिय हैं और उसमें उन्होंने हमको परिणाम ला के दिया है। तो एक बहुत अच्छा वातावरण जो है और लोगों को ये चीज समझ में आ गई है कि नक्सली विचारधारा से कुछ हासिल नहीं होना है, ये सिर्फ जो है पैसे लूट के दूसरे प्रदेशों में ले जाने का तंत्र है। और हमें खुद अपना विकास करना, अपने बच्चों का विकास करना, स्वास्थ्य का विकास हो, लोगों का स्वस्थ रहें, ये सब जो है तभी संभव है जब यहाँ सब सामान्य गतिविधियां होंगी। जिस तरीके से बीजापुर की हम बात कर ही रहे हैं, यहाँ पे हर जगह पे आप विकास की जो थीजी पगड़ी है वो वैसे ही बने रहेगी। हम आपसे लास्ट सवाल करना चाह रहे हैं सर कि यहाँ का जो विकास की जो तेजी है वो आपके रहते हुए इतनी तेजी जो पकड़ ली है ये ऐसे ही बने रहेगी कि आपके जाने के बाद क्या इसमें तेजी में कम होता नजर आएगा? मैं जा रहा हूँ कि आपने ऐसा क्या एक ऐसा कोई व्यवस्था करके जा रहे हैं कि जो ये तेजी जिस तरीके से पकड़ा हुआ है, जो विकास की जो गति कम ना हो और ये रफ्तार पकड़े और जगह जगह पे विकास की धाराएं पहुंचे और उन बच्चों तक पहुंचे कि जो लास्ट छोर पे बने हुए हैं उनको भी शिक्षा का माध्यम मिले और स्वास्थ्य का सुविधा मिले, हर एक चीजों से जो गवर्नमेंट की योजना है वहां तक पहुंचे, ऐसा कुछ तेजी आप करके जिले को ऐसा कुछ करने का कुछ ऐसा बना करके? नहीं देखिए, इसमें कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है, पूरा हमारा जो है अमला जो है शासकीय अधिकारी कर्मचारियों का वो अभी ऑन टोज है, मतलब एकदम जो तत्पर है विकास के लिए, शासकीय योजनाओं को लागू करने के लिए। जो मेरे समय में कार्य हुआ है, मेरे को विश्वास है कि अभी हम टेक ऑफ स्टेज में है, जिस तरीके से रनवे में जो टेक ऑफ होता है और उसके बाद जो है हवाई जहाज जो है उड़ान भरता है, मुझे विश्वास है कि मेरे बाद भी जो है मेरे जो सक्सेसर रहेंगे वो इसको और बेहतर करेंगे, मुझसे बेहतर कर्म होगा और इसके लिए पूरे नागरिकों का। तो हमर छत्तीसगढ़ देख रहे थे आप, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।